ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। इन लोगों ने सर्वे करा लिया और देख लिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार में आ गई। जनता महंगाई से उब चुकी है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। नौजवान, युवा, बेरोजगार इनसे उब चुका है, ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। किसान योगी जी मोदी जी के ललका सांड से अर्कल मटर, आलू, गेहूं वो चर रहे हैं। इनको कोई कानून, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि उससे निजात दिलाई जाए। इनके योगी जी और मोदी जी के ललका सांड से सड़क पर इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि ट्रामा सेंटर में 70% मरीज आ रहे हैं। उससे निजात दिलाने के इनके पास कोई रास्ता नहीं है। गरीबों के इलाज फ्री में कैसे हो, इसके लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है। आज जरूरत है प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने का। 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद करके 7 रुपया देहात में और 8.5 रुपया शहर में बेच रहे हैं। तो इन पर ध्यान नहीं है। इन लोगों का ध्यान सिर्फ कि अब हम जनता हमसे उठ चुकी है, चुनाव टाल करके अपना माहौल बनाएगी। यदि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो पत्र लिखने की क्या जरूरत है? आप सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं, सर्वदलीय बैठक बुला करके आप जो निर्णय लेते उसको सब लोग मानते। आप अकेले पत्र क्यों लिख रहे हो? ये साफ जाहिर हो रहा है कि आपकी हताशा और निराशा दिख रही है। 100% यही है, 100%। क्योंकि पत्रकार भी दुखी है, किसान भी दुखी है, नौजवान भी दुखी है, बेरोजगार दुखी है, व्यापारी दुखी है, आम आदमी दुखी है। इनसे कोई इनके साथ वोट देने को तैयार नहीं। जबरी मोदी जी की रैलियों के क्राउड को देख लीजिएगा आप लोग, और अखिलेश जी की रैलियों का क्राउड देख लीजिएगा। अखिलेश जी की रैली में लोग अपने से चल के आ रहे हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक बैठे रह रहे हैं। और इनके यहाँ बस सरकारी बस सरकारी पैसा लाद करके ले जा रहे हैं, और जब मोदी जी, योगी जी, अमित शाह खड़े हो रहे हैं तो भीड़ चल दे रही है और आधी कुर्सी खाली हो जा रही है। ये लोग फिरौरी कर रहे हैं कि बैठो भाई, 10 मिनट सुन लो। ये क्या दिख रहा है? हताशा और निराशा है। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया और कांग्रेस की विदाई हो गई। कांग्रेस जान गई कि जो हमारा एम्पायर है, फर्स्ट एम्पायर, वो हमको आउट कर दिया। जो देश की जनता है, जो मतदाता है, वो तो हमको आउट इस्तेमाल किया, जिसको ईडी सीबीआई हम कहते हैं। तो उसी तरह समाजवादी पार्टी के लोगों के यहाँ जो ईडी का छापा पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के विदाई का संकेत है। खाली रुपया समाजवादी पार्टी के पास है, यही ना कहने का इनका तात्पर्य है। ये बीजेपी के 21,000 करोड़ रुपया का हीरोइन पकड़ा गया, कहाँ है ईडी? FIR तक नहीं हुआ, क्योंकि मोदी का रिश्तेदार है, उनका पार्टनर है, सामने है ना प्रमाण। 44 जवान शहीद होते हैं, जिस माँ का लाल शहीद हुआ है उसके ऊपर न बीत रही है, मोदी योगी के ऊपर का बीत रही है, उसकी सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। ये बदले की भावना से चुनाव में हार, हताशा और निराशा, इस नाते ये लोग तो अयोध्या में अभी हुआ है, प्रियंका गांधी जी ने आरोप लगाया है, उसको लेकर के आपका क्या मत? 100% सही आरोप है, संजय जी ने भी चापा है। आप बताइए, जो खुद जो है, जो दलित प्रधानमंत्री आवास में रहता हो, अब वो 21 बीघा जमीन कैसे खरीदेगा? वो तो खुलासा हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही बचाने की कोशिश ना करें योगी जी, और दूध का दूध पानी का पानी सब क्लियर है, लगे हैं। योगी के आदेश को कौन मानता है? एक दरोगा नहीं मानता है तो वो कौन मानेगा कोई? देखिए, यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुला करके उस पर विचार विमर्श कर ले। जो निर्णय सब लोग करते हैं उसको मानना चाहिए। नहीं, मेरा मानना है कि सर्वदलीय बैठक बुला ले, इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, खाता न बही जवन भाजपा का है वह सही। इस नाते कि पूरा प्रदेश में आपने भी देखा, हमने भी देखा कि यहाँ लोग ऑक्सीजन के लिए, गैस ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवा के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए तड़प रहे थे रोडों पर, सड़कों पर, अस्पतालों पर। और ये लोग हमारे मोदी जी और योगी जी बंगाल में वोट मांग रहे थे, सबके सामने की बात है, बंगाल में वोट मांग रहे थे। बांदा से बलिया तक लाशें तैर रही थी, इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, मोतियाबिंद हुआ था। ये कहते हैं नहीं, वो लाश यहाँ से नहीं, अमेरिका से आई थी। देखिए, सबका अलग अलग मतलब है। हम तो एक मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए, जिसमें प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राम सागर भी, अनिल चौहान, प्रेमचंद कश्यप और हमारे सुनील अर्कवंशी, गुलाब खंगार, इनको मिला के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। उस मोर्चे में हमने कोशिश किया कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो हमारे मोर्चे में आवे,
और 100 सीट न लड़के बल्कि 10 सीट लड़े, 5 सीट लड़े और सरकार बना ले, बीजेपी को सफाई करें। ये गुजरातियों को रोजगार दे रहे हैं, ये गुजराती अमूल जो कंपनी है, ये गुजरात की कंपनी है, वो कंपनी आई, आई मोदी जी जब नहीं आए थे, गुजराती लोग नहीं आए थे उत्तर प्रदेश में, तो 30 रुपया 22 रुपया 25 रुपया लीटर दूध मिलता था। अब दूध का रेट क्या हो गया, 60 रुपया। अब किसका किसका कमाई हो रही है, अमूल की कमाई हो रही है। फायदा पैसा किसको मिलेगा, चुनाव में मोदी जी को मिलेगा कि चुनाव लड़ो हम अपना दूध का दाम बढ़ाओ, इसी नाते खोले हैं। देखिए अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो प्लान है, तो अखिलेश यादव जी जो प्लांट बैठाए तो वो प्लांट अमूल का नहीं था, नहीं अमूल का नहीं था, या अमूल का उन्होंने बुलाया होगा जिसको, तो उस समय के काम से आवाज के काम से तुलना कर लीजिए।